अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय गोल्डन किचन। आज हम पाए बनाने जा रहे हैं, मटन पाए। और ये मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगी, मेरी अम्मी बिल्कुल ऐसे ही बनाती हैं। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लीजिए। इधर मैंने मटन पाए लिए हैं 3 अदद, 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है, 1 लहसुन की गट्टी मैंने छील कर रख ली है, 1 छोटी प्याज मैंने ली थी उसे मैंने बारीक काट लिया है, और साबुत गरम मसालों में 2 मैंने बड़ी इलायची ली हैं, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, 1 टीस्पून साबुत सौंफ ली है, और दालचीनी के मैंने 2 टुकड़े लिए, उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिया है, और 4 मैंने छोटी इलायची ली हैं। और मसालों में मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी ली है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाए कुकर में बनाएंगे क्योंकि कुकर में ये जल्दी रेडी हो जाएंगे। अगर हम वैसे ही उसे देसी वगैरह में पकाएंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो इधर मैं ऑयल डाल रही हूँ और प्याज इसमें चला जाएगा, और आँच मीडियम टू हाई है रखी हुई हमने। तो इसको हम लाइट गोल्डन करेंगे, हमने ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन करना है। प्याज लाइट गोल्डन हो गया, अब हम पाए जो हैं वो इसमें डाल देंगे। पाए डालने के बाद हमने ये लहसुन डाल देना है, और साथ में ये मसाले डाल देने हैं, और ये साबुत मसाले हमने डाल देने हैं, और इसको हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है हमने पाव की मसाले समेत। भुनाई करते वक्त इसमें आप 2-3 टेबलस्पून पानी के डाल लें ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। 3-4 मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से भुना है। अब हम इसमें पानी डालेंगे 2 ग्लास जितना, ये 2 ग्लास हमने पानी डाल दिया है। पानी हमने उतना ही डालना है कि उसमें पाए भी गल जाएं, क्योंकि बाद में पानी भी खुशक हो जाए, और फिर हम इसे भूनने के बाद दोबारा पानी डालेंगे। अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं। कुकर का ढक्कन हमने लगा दिया, सीटी हमने ऊपर रख दिया। सीटी जब चलेगी तो हम टाइम नोट करेंगे, आपको बताएँगे, बाद में मिलते हैं। 20 मिनट हो गए थे सीटी चलने के बाद, तो हमने चूल्हा बंद कर दिया। अब हम सीटी उठा देते हैं। पानी हमारा खुशक हो गया है, लेकिन हम देखते हैं कि पाए जो है वो गले हैं या नहीं गले, चेक कर लेते हैं। अभी थोड़े कच्चे हैं पाए, क्योंकि बाज़ काज जो पाए होते हैं वो थोड़ा टाइम ले लेते हैं, और कई पाए तो जल्दी गल जाते हैं। ये अभी इसमें कसर है, पानी ख़त्म हो गया था, तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी, तकरीबन 1-1.5 गिलास मैं और पानी का डालूँगी ताकि ये गल जाएँ, तो इसे मैं दोबारा वेट लगाऊँगी। पानी जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा रह गया था वो हमने खुशक करके, तो इस पाव को हमने तकरीबन 4-5 मिनट के लिए दोबारा इसे भुना है, और ऑयल जो है वो अच्छे से बाहर निकल आया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी तकरीबन 2 ग्लास, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा, अगर आपने गाढ़ा शोरबा रखना है तो कम पानी डाल लें, अगर पतला रखना है तो अपने हिसाब से डाल लें। तो पानी मैंने डाल दिया, अब इसे मैं उबाल आने देती हूँ। इसको पानी को उबाल आ गया जो हमने डाला था, अब हम इसे कवर कर देंगे वैसे ही ढक्कन से, और आँच जो है बिल्कुल हम स्लो दम वाली रखेंगे, और इसे पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम देख लेते हैं, ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है। और गैस हम बंद कर देते हैं, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला 1-2 चुटकी छिड़केंगे, और इसे हम करते हैं डिश आउट। मटन पाए बनकर रेडी हैं, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।